आज हम बनाएंगे बथुआ का पराठा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। बथुआ में कैल्शियम, आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। और ये पराठा जो है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो इसे आप बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बथुआ का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बथुआ लिया है, जिसको अच्छे से साफ कर लिया। इसकी जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उसे हमें छांट के निकाल देना है, और बिल्कुल अच्छे साफ़ साफ़ पत्तियाँ लेके रख लेनी हैं। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के और बिल्कुल अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। इसको 4-5 बार पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें साग में जो होता है ना, मिट्टी वगैरह बहुत होते हैं, तो इसको बिल्कुल साफ़ से हमें धो लेना है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप के करीब में गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आप ऐसे अंदाजे से भी ले सकते हैं, आपको जितना भी पराठा बनाना है। इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब में हींग डालेंगे। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 हरी मिर्च डालेंगे इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई, और इसमें ऊपर से हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, या फिर इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना डालें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद से हमने जो बथुआ का साग काट के धो के रखा है वो भी इसमें हम डाल देंगे, और इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ। जितना भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। यहाँ पे बथुआ को मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है, उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के हम इसको गूंथते जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट डो लगाना है हमें इसका। इस तरीके से हाथ के पीछे वाले हिस्से से ना इसको बढ़िया से मसल लेंगे, मतलब मार लेंगे, तो जो है पराठे ना बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से अभी हम सॉफ्ट करके रख लेते हैं, और ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको फिर ढक के रख देंगे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए जब हम इसको रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी 15 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंथ के रखे हुए, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार हाथों से फिर से हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक लोई लेंगे। तो लोई हमें इतनी ही लेनी है जितना पराठे या रोटी के लिए लेते हैं। तो ये देखिए लोई को अच्छे से सॉफ्ट करके चिकना कर लेना है, और फिर हम इसको बेलेंगे। बेलने से पहले हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगा के बेलेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में भी बेल सकते हैं, लेकिन बथुए का पराठा जो होता है वो नॉर्मल गोल ही बनता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ट्रायंगल में भी बेल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको मोड़ के और फिर से मोड़ लेंगे तो फिर ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, और फिर इसको फोल्ड करके बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा बेल के तैयार है। तो अब हमने गैस पर एक तवा गर्म कर रखा है, तो अब हम इसको डाल देंगे इस पर तवे पर। तवे को मीडियम फ्लेम पे ही गरम करके रखें, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, वरना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम रखेंगे तो पराठा एकदम से जल जाएगा। एक तरफ से 1 मिनट सेकने के बाद मैंने इसको पलट दिया है, और ये देखिए अब पलट के देख लेंगे, दूसरी तरफ से थोड़ा सा अच्छे से सीख गया है। तो अब हम इस साइड से 1 चम्मच तेल डाल के और इस पर अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ फैलाते हुए, और फिर दूसरी साइड से भी पलट के हम इस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसको लगा देंगे। मतलब कोई सा भी कुकिंग ऑयल या फिर घी डाल के आप लगा सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद हो। अब इसको दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। इसके कोने कोने पे ना 1 स्पून से दबाते हुए सेकेंगे, ताकि किनारियों किनारियों तक पराठा जो है वो अच्छे से सीख जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है मैंने, अब इसको तवे से निकाल लेते हैं। तो ये है ना बहुत ही मज़ेदार बथुआ का पराठा, देखिए कितने झटपट से बन भी गया है। एक पराठे को सेकने में टोटल 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा आपको, और ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही हेल्दी पराठा बन के तैयार होता है। अगर बच्चे आपके साग खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें इस तरीके से साग आप पराठे में भी मिक्स करके बना के दे सकते हैं। और ये पराठा ठंडा होने के बाद से भी बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ये देखिए मैंने कैसे फोल्ड किया, ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है, एकदम सॉफ्ट पराठा बनता है। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही ईजीली इसे खा लेते हैं पसंद से।
और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खाते हैं बथुआ का पराठा बहुत ही पसंद से। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रोल करके बच्चे को दे सकते हैं, तो उन्हें अब साग खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से इस तरीके से खिला सकते हैं। सर्दियों में बथुआ खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।